अंदर वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे कहाँ छुप के बैठे हो बेटा, आ जाओ बाहर। मुझे पता है कि तुम यही कहीं छुपी हो। लगता है खिड़की से उतर के घर के बाहर चली गई। दुआ ने मेरी वॉच पे बीप किया है। मैं काम करता हूँ, मैं भी दुआ की वॉच पे बीप कर देता हूँ। तो तू यहाँ है, हाँ? बचेगी नहीं अब। अब तू नहीं बच। अरे कितना भागेगी मुझसे? मैंने कहा था ना कि मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। कितना मासूम चेहरा है। सिग्नल पर भीख मंगवाऊंगा, बहुत कमाई करेगी। चल। जो हाथ मेरी बेटी को छूने के लिए उठेंगे उन्हें मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। अम्मी, बहुत गंदे, वो मेरे हाथ पर तुड़वा के मुझे सिग्नल पे भीख मंगवाते। बेटा, अम्मी आ गई है। अम्मी कुछ नहीं होने देगी, हाँ? फिक्र मत करो। अम्मी, गंदे अंकल उठ कर। डरो मत बेटा, मैं भी देखती हूँ कि ये क्या कर लेगा। बच्चों को भी अपहरित करके भीख मंगवाता तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाने की? धारी देवी देख पीछे, ये सब क्या हो रहा है? होना ही था ये तो। माँ बनने का इतना बड़ा शौक है तो बच्चे का ख्याल रखना भी आना चाहिए। और बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक परिवार लगता है, एक फैमिली लगती है। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी बच्ची को तुम्हारे साथ जान का खतरा है। और यही बात मैं कोर्ट में भी बोलने वाला हूँ। किसकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है ये मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाएगी। और तुम उठ, उठ, तू लंबा जेल जाएगा, उठ। नहीं मैडम, नहीं, मुझे जेल जाने से रोक दो। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है। मुझे नील भाई जी और चार भाभी जी ने यहाँ भेजा था ये नाटक करने के लिए। तो
ये पैसे भी ये नील भैजी नहीं दिया था मुझे। इन्हें क्या लगा था कि मुझसे और अलकनंदा से दुआ को छीनना आसान होगा? क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ, कौन से पैसे? अपनी बच्चे की जान खतरे में डालने के पैसे दुआ में? क्योंकि आप दोनों मुझे मेरी दुआ से अलग करना चाहते हैं। आप दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छी मां नहीं हूँ। दुआ, देखा ना तुमने? देखा ना अपने माँ बाप की असलियत? अपने मतलब के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रहे थे। दुआ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे बेटा। मैं तुम्हें ऑस्ट्रिया लेकर जाऊंगी। इन मतलबी लोगों से बहुत दूर। क्या बोला? ऑस्ट्रिया? हाँ, मामी ने मुझे बताया कि आप कोर्ट में यह साबित करना चाहते हो कि मैं कुंवारी हूँ, इसलिए मैं दुआ की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। तो आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लो कि मैं शादी कर रही हूँ, और शादी के बाद वो दुआ और मुझे ऑस्ट्रिया लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जल्दबाजी में प्लीज कोई फैसला मत लो, मुझे दुआ से अलग मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम दोनों अभी की अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। निकलो यहां से। अम्मी ने अपने मतलब के लिए मुझे खतरे में डाल दी। मम्मी इतनी गंदी क्यों है? वो क्या कहे आपको मामी? आपने अलकनंदा को दुआ की कस्टडी लेने में मदद की, एक बेटी को एक माँ से अलग किया है आपने। ये तुझे तो हमेशा मामी गलत लगती है ना, लेकिन मेरा दिल जानता है मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। और अलकू, अलकू तो मेरी बेटी जैसी है। सालों उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, और दुआ को बेटी सिर्फ वो नहीं मानती है, ये दुआ भी उसे माँ समझती है। इसीलिए मैंने दोनों को अलग नहीं होने दिया। आपको पता भी आप क्या बोल रही हैं? माँ बाप बनना कोई शौक का खेल है क्या कि आज माँ बनने का मन किया माँ बन गई? नौ महीने चाहत ने दुआ को अपनी कोख में रखा था, 7 साल तक परवरिश की है चाहत ने दुआ की। नीलकंठ बस वदाम्बरी, नीलकंठ जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। और नीलकंठ, वदाम्बरी की एक बात तो बिल्कुल सच है। हाँ वही। चुप रहो तुम। अलकनंदा ने इतने वर्षों तक हमारे परिवार की सेवा की, बदले में मिला उसे कुछ भी नहीं। लेकिन पापा, दुआ मेरी बेटी है, मैं कैसे रह पाऊंगी दुआ के बिना? ऊपर से अलकनंदा उसे दूसरे देश भी ले जा रही। चिंता मत कर पुवारी, चिंता मत कर, मैं बात करूंगा अलकनंदा से, मैं समझाऊंगा उसे। और अगर अलका नहीं मानी तो? कैसे नहीं मानेगी, मैं कल सुबह स्वयं जाकर उससे बात करूंगा। यमी यमी। नाश्ते के साथ साथ दुआ को हलवा भी खिला दो। दुआ को हलवा पसंद है ना? हाँ। तो अंदर जाके खा लो, तब तक मैं अलकनंदा से थोड़ी बात कर लेता हूँ। ठीक है। माफ करना महान बाबा, लेकिन मैं अपनी दुआ को नीलकंठ जी और चाहत को नहीं दे सकती। बहुत प्यार करती है ना दुआ से। दुआ को मैं तुझसे छीनने नहीं आया हूँ अलकनंदा। मुझे पता चला कि तू शादी कर रही है, तेरे पिता जैसा होने के नाते मुझे लगा मैं एक बार लड़के से मिल लूं, मेरे मन को एक बार तृप्ति हो जाए कि लड़का तेरे लिए उचित है, तो मैं खुशी खुशी कन्यादान कर पाऊंगा। एक काम करना, तू लड़के को लेके घर पे आ जा। ठीक है मान बाबा।
मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगी। जीतती रहे। ये कॉम्बिनेशन क्यों? ये तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? नील आप क्या कर रहे हैं? अरे अरे नील इधर आओ। तुम इतनी सुंदर दिखोगी कैसे कंट्रोल करूंगा मैं? ओ हेलो, ये सजना सवरना आपके लिए नहीं है, ये सब कुछ दुआ के लिए है। नील आप जानते हैं ये कॉम्बिनेशन ब्लू और पिंक दुआ का फेवरेट कॉम्बिनेशन है। अच्छी लग रही हूँ ना? और वैसे भी आज लखनंदा दुआ को लेकर वापस इस घर में आने वाली है, उस आदमी से मिलवाने जिससे वो शादी करने वाली है। ओ नो नील, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बाबा ने भी कहा था कि वो अलकू को मना लेंगे कि दुआ हमारे साथ इसी घर में रहे। नील सोचिए ना, दुआ हमारे साथ हमारे घर में रहेगी, हमारे सामने रहेगी। ये क्या है? कुछ चुभा मुझे, ये क्या है? ये सरप्राइज है। अरे हेलो, आप मुझे दिखाइए क्या है। नहीं दिखाइए ना। नहीं अरे दिखाइए। अरे नहीं, अरे नहीं नहीं कर। आपको मुझे दिखाइए। नील दिखाइए ना। नहीं नहीं, अरे ले लिया, जा वापस दो। नील ये मंगलसूत्र। व्यास जी ने बोला था ना कि जब नवेली की शादी होगी तो हम भी साथ में वचन लेंगे, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आई नो कि तुम्हारे धर्म में अलाउड नहीं है, भले ही तुम इसको तोहफा समझ के रख लो, भले ही मत पहनना। मैं ये मंगलसूत्र जरूर पहनूंगी। अब जब हमने मोहब्बत को ही अपना मजहब मान लिया है तो इस प्यार की निशानी से कैसी एतराज की। मैं ये मंगलसूत्र पहनूंगी, आप पहनाइए ना। Really? क्या हुआ? ये मंगलसूत्र लॉक नहीं हो रहा है, तो दरवाजा लॉक कर दूं? ओ हेलो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे आपको डोर बंद करने की जरूरत पड़े। अरे यहाँ बीवी भाव भी नहीं दे रही है, और मैं सोच रहा हूँ बीवी के लिए वचन क्या लिखूं मैं। आपने अभी तक वचन नहीं लिखे? नहीं। हाँ, मैंने तो लिख भी दिए। भयंकर, तुमने लिख दिए? हाँ। हाँ, तो सुनाओ मुझे। ओ हेलो, मैं क्यों सुनाऊं आपको अपने वचन? प्लीज सुनाओ ना। मैं प्लीज सुनाओ ना, मुझे ना वो इंस्पिरेशन मिलेगी। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है बाबा। पहला वादा, अब हम जिंदगी भर के लिए नील और चाहत बन के रहेंगे, और कोई तीसरा हमारे बीच में कभी नहीं आएगा। दूसरा वादा, हमारा प्यार जिंदगी भर के लिए फूलों की तरह महकेगा, और जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी अपने प्यार को मुरझाने नहीं देंगे। तीसरा वादा, अब कोई गलतफहमी हम दोनों के बीच में नहीं आएगी, और शक का काला साया कभी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। और चौथा, चौथा वादा। ओ हेलो, सब कुछ आज ही थोड़ी ना बता दूंगी। अरे बताओ ना मुझे, मुझे मुझे पढ़ना है डायरी। अरे ये डायरी दो चाहत। अरे मुझे पढ़ना बिल्कुल है। भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
कर बे। ये मंगलसूत्र तो तू चाह तो पहना रहा था हैं? और पहनाते पहनाते टूट गया। हाय हाय, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। इधर लाओ आप, कुछ नहीं होता है अपशगुन अपशगुन। ये टूट गया है, हो जाएगा ठीक। शादी को वक्त है ना, अभी तो रिपेयर करवा लूंगा इसको मैं। कानपुर में हड़ताल चल रही है, ये नीचे कोई दरवाजा खड़का रहा है, प्लम्बर आया होगा। जा, रसोई का नल ठीक करना है ना, जा। मेरे तो घुटने ही बहुत दर्द कर रहे हैं। आज धूप में से तुम्हें धुआं क्यों आ रहा है? अरे हाँ बाबा, खोल दियो। क्या अभी 8 बजे बुलाया था, लेकिन पूरे 3 घंटे लेट आ रहे हैं। मेहमान आने वाला है, किचन के टैप में पानी नहीं आ रहा, ब्लॉकेज हो रखी है। अब अंदर चल के ठीक करिए। आइए। ओह नो, 4 दिन पहले ना अभी कंपनी से एक आदमी आया था, लेकिन खुदा जाने क्या काम करके गया, 2 दिन में फिर से ब्लॉकेज हो गई है। अच्छा अब आ गए हैं तो इसको ठीक कर लीजिए। वैसे एक बात बताइए, जब आप लोग काम ठीक से नहीं करते तो फिर पैसे किस चीज़ के लेते हो? ये देखिए, घर के बर्तनों में भी इतना पानी भर के रखा हुआ है। देखिए अब आप आ गए हैं ना, तो प्लीज खुदा के लिए पक्का वाला काम करके जाइएगा। चलिए शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए, मेरी आंखें जल रही है, मुझे पानी चाहिए। भेजी हो गया। चलिए अपना नल ठीक हो गया, और कोई हुक्म? नहीं नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह मियां का। आप बस पैसे कम लेना। आप ऐसे घूर क्या रहे हो? जब हाथ पोंछने के लिए टिश्यू चाहिए तो ऐसे बोलो ना, यहाँ टिश्यू लो। तुम्हें देख लिया ना, अब कहाँ कुछ बोलने के लायक बचाऊं चाहत।